हेलो रिवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जब जी की प्रॉब्लम दैट है। तो अपने पास ट्रेल्स ऑफ वंस प्रॉब्लम की अपना नाम है और इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। फिर इसको देखेंगे व्हाइट बोर्ड पर और फिर इसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी प्लस प्लस में और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन अ नंबर एन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। मतलब जो नंबर है उतने लेंथ के हमारे पास जो बाइनरी स्ट्रिंग होगी 0 1 का यूज करके जो बनेगी, ठीक है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है। डैट कंटेन्स कंजिक्यूटिव वंस, ठीक है, वो वाली हमें काउंट फाइंड करना है। सिंस द नंबर कैन बी वेरी लार्ज, जो 10^9 + 7 से उसका मोड करके रिटर्न करना है जी। अगर 2 की बात करें तो 2 की हमारे पास कितने स्ट्रिंग बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। कंजिक्यूटिव वंस सिर्फ किसके अंदर है, 1 1 के अंदर, ठीक है, तो ये 1 सर। 5 की बात करें तो उसका आंसर 19 आएगा, ठीक है, हम इसको अपना बाद में देखेंगे। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं पहले। अब हमारे पास एक और चीज़ कही हुई है कि हमारे पास जो एन होगा ना वो 2 से शुरू होगा ना, कम से कम 2 होगा, तो 1 को हमें देखने की जरूरत नहीं है। 2 का हमने देख लिया कि आंसर अपने पास 1 आ सकता है। 3 का आंसर देखते हैं, ठीक है, 3 लेंथ की अगर एन हमारे पास हो 3, तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रिंग बन सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है, 0 0 0 0 0 1, ठीक है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को, ठीक है, फिर अपने पास 3 ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, ये बनेंगे जी, ठीक है। कंजिक्यूटिव वन किस किस के अंदर आ रहा है, एक तो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एक इसके अंदर आ रहे हैं, एक इसके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब एन इक्वल टू 3 के लिए। अब देखो एन इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास जो आंसर है वो आया मेरे पास 1, एन इक्वल 3 के लिए मेरे पास आंसर कितना आया, वो मेरे पास आया जी 3। एन इक्वल 4 के लिए एक और देख लेते हैं ना, 5 के लिए हमें पता है, 5 के लिए आंसर मेरे पास जो है वो क्या है जी 19, है ना, 5 के लिए एन इक्वल 5 के लिए मेरे को पता है 90 आंसर है। एक 4 का और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए। चलो जी 4 का देखते हैं, 4 के नंबर हमारे कहाँ तक बनने वाले हैं, 15 तक बनने वाले हैं ना, बना लेते हैं उसको 0 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आगे लिखते हैं अपने पास 8 बनने वाला है ऐसे, 9 10 11 12 13 14 15, है ना। अभी आंसर कितना आने वाला है इसमें, एक तो ये कंसिक्यूटिव वंस और इसमें है कंसिक्यूटिव वंस, इसमें है कंसिक्यूटिव वंस, ठीक है जी, और इसमें है कंसिक्यूटिव वंस, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए आंसर आने वाला है 8। अब मेरे पास आंसर आ रहा है 1 3 8 19, है ना, अभी जाके इसको लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, 1 3 8 19। अब इस तरह से मैं क्यों लिख रहा हूँ, हम किसी तरह की ना सीक्वेंस बनाना देखेंगे, क्या किसी तरह की सीक्वेंस बन सकती है, नहीं अगर बन सकती है तो उस वे में करेंगे, नहीं बनेगी तो कोई दूसरा वे देखेंगे, ठीक है, पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में अपने पास किसी ना किसी तरह की सीक्वेंस बन सकती है, ठीक है, कि हम किसी तरह का उनके बीच रिलेशनशिप फाइंड कर ले और फिर लूप लगा के डायरेक्ट काम को खत्म करें, तो वही हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी 1 से 3 पर आ रहे हैं, 3 से 8 पर, 8 से 19 पर, क्या कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ठीक है, 3 से 8 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, 8 से 19 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, और फिर 6 के लिए अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करें, ठीक है, 1 2 3 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 2 3 4, इस तरह से अगर प्लस करते चले तो 6 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 38, फिर 42 आना चाहिए इस पैटर्न से, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 6 के लिए एक बार अपना कस्टम इनपुट में डाल के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, GFG के कोड वालों का 43 आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ मिस्टेक है ना, इस तरह मतलब 1 2 3 4 इस तरह से नहीं बनने वाला, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो कुछ और होगा, ठीक है, चलो देखते हैं इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आ रहा है 43, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5 हो रहा है, ठीक है। अब हमें इन चीज़ को देखते हुए क्या कोई और रिलेशनशिप जो हमने 1 2 3 4 वाला सोचा वो तो नहीं चला, कुछ और चल सकता है, 5 + 5, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 हर बार हो रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 हम कर देंगे, लेकिन जो प्लस में हो रहा है ना उसको हमें किसी तरह से रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ेगा। अब 5 कैसे बन सकता है, 5 बन सकता है प्रीवियस 2 का सम, 3 और 2 का, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 बन सकता है प्रीवियस 2 का सम, बिल्कुल बन सकता है 2 और 1 का। क्या 2 बन सकता है प्रीवियस 2 का सम, अब प्रीवियस 2 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है सिर्फ प्रीवियस 1 ही है, एक ही
एलिमेंट है, ठीक है। तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जीरो होगा इनिशियली, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय टू करके प्लस वन किया गया होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन करके हमें जीरो मिल गया होगा। तो जो टू है वो भी प्रीवियस टू का सम बन सकता है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बनकर आया है, उसके हिसाब से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू बननी चाहिए वो 43 मल्टीप्लाई बाय टू 86 प्लस में 538 है ना, मल्टीप्लाई बाय टू प्लस 8 हमारे पास बननी चाहिए 94। चेक कर लेते हैं एक बार इसको, है ना, कि 7 के लिए आंसर 94 अगर है तो भाई काम खत्म हो गया भाई, फिर तो रिलेशनशिप अपनी बनेगी, ठीक है। एक बार चला कर देखते हैं, 96, 94, 94, 94, हाँ 94 आंसर आना चाहिए, 94 आ रहा है, ठीक है। अपना काम हो गया जी, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास इनिशियली वैल्यू मिनिमम एन क्या हो सकता है, टू, टू के लिए हमारे पास इनिशियली वैल्यू होगी वन, ठीक है। हम एक कंडीशन लगा देंगे कि एन इक्वल टू टू है तो वन रिटर्न कर दो, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। उसके बाद यहाँ पर कह लेते हैं कि जीरो पड़ा है कुछ, ठीक है, अपने आप मान लेते हैं। फिर जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। तो हम मतलब एक ए ले लेंगे जीरो, एक बी ले लेंगे वन, ठीक है, इस जीरो के लिए और इस वन के लिए, ठीक है, और एक अपना आंसर ले लेंगे कितना, वन, जो कि हो गया एन टू के लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात। एन थ्री से शुरुआत करेंगे, आंसर क्या करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस इन दोनों का सम, मान लेते हैं ऐसे ही है, ठीक है। तो वन मल्टीप्लाई टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा, थ्री बन जाएगा, आंसर कितना हो गया, थ्री। फिर क्या करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू प्लस, अब ये जो सी था, ठीक है, ये जो सी बना था जीरो प्लस वन का सम वन, उसको बी में डाल देंगे और बी को ए में डाल देंगे, ठीक है, वन वन मतलब ये वन और ये वाला वन, तो हमारे पास प्लस टू हो जाएगा, यहाँ पर एट आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही चलता रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कि सिंगल लूप सिर्फ लगाएंगे तो हमारे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आ जाएगी वो आ जाएगी ऑफ एन, स्पेस को यूज़ नहीं करेंगे वो ऑफ वन। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस, जाओ मैं कोड। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए जीरो बी वन आंसर वन, और एक हमें मोड भी करना है 189 + 7 से, ठीक है। इफ़ एन इक्वल इक्वल है टू तो सिंपल टर्न कर देंगे वन। अब सिंपल हम क्या करेंगे, थ्री से लूप लगा लेंगे एन तक की, ठीक है, एक सी वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सिंपल देखो हमारे पास क्या पड़ा है, जीरो वन ए और बी में, तो हम वन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जीरो वन मतलब ए और बी का जो सम होगा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सी में ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, इसको ने परसेंट मोड भी कर देते हैं क्योंकि ये हमें करना ही है, जहाँ पर भी कहीं भी कैलकुलेशन होती है। और नेक्स्ट इटरेशन के लिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या होगा भाई, अब जो बी है वो बन जाएगा ए, और जो सी है वो बन जाएगा, और जो सी है वो बन जाएगा बी, ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सी, ठीक है, रिटर्न आंसर। एक बार इसको चला कर देखते हैं, सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लेंगे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है, हो जा रहा है जल्दी ये, इसको करते हैं सबमिट। सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार ये सबमिट हो जाए, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर वही सिंपल बेस कंडीशन एक डाल दी, आंसर ले लिया वन, ए बी जीरो और वन, अपना मोड ले लिया, इसे मोड करना है, आई थ्री से लेकर एन तक की लूप चला ली, सी में क्या डाल दिया, ए प्लस बी। नेक्स्ट इटरेशन के लिए जो अभी बी है वो ए बन जाएगा, जो सी है वो बी बन जाएगा, ठीक है, आंसर में क्या कर दिया, आंसर को मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सी, सी क्या है, ए प्लस बी का सम, ठीक है, लास्ट में रिटर्न आंसर कर दिया। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, इस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।